नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोग इम्पल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, ठीक है जी। तो आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो इम्पल्स सिग्नल है उनके कुछ क्वेश्चंस जरा हम लोग आज डील करेंगे और उसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से होगा, तो वो ज़रा देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़रा देखिए, एक बार एक दो चीज़ें और मैं बता दूँ आपको आगे बढ़ने से पहले। हमने लास्ट टाइम डबलेट फंक्शन का एक प्रॉपर्टी देखी थी, एफ टी डेल्टा डैश टी डी टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्या आंसर आया था आपका? आपका आंसर आया था माइनस एफ डैश जीरो, आई थिंक यही आंसर था, ठीक है ना। अगर ये, और मैंने फिर जनरलाइज रूल बताया था आपको, ठीक है, एफ टी डेल्टा एन टी डी टी, मतलब nth डेरिवेटिव अगर है यहाँ पे, तो हमने क्या बताया था इसको, क्या बन जाएगा ये, माइनस वन की पावर n और f ऑफ n जीरो, ये बोला है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको लिखता, मैं ऐसे अगर लिखता dt फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो क्या बनता बताओ जरा, ये बनता माइनस वन की पावर n f ऑफ t, यहां पे ये बनता। तो इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग जरा डिस्कस करते हैं, जरा देखिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, तो उनको जरा डिस्कस करते हैं दोस्तों। अच्छा, एक और बात मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, वो भी आप ध्यान रखिएगा, इस सिग्नल का जो डेरिवेटिव होगा, जैसे यूटी सिग्नल है ना, तो डेरिवेटिव का मतलब चेंज, मतलब स्लोप। तो आगे तो स्लोप क्या है, जीरो, तो स्लोप कहां पे है, केवल एक ही जगह पे है, कहां पे, जीरो पे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे मेरे पास इसका एरिया वन बनेगा, जो हाइट में बदलाव आता है वो एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर सोचिए कि अगर मैं इस तरह का फंक्शन देता आपको और मैं पूछता, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये हाइट वन है, ये हाइट, या हाइट टू मान लो, ये हाइट माइनस टू मान लो, ठीक है जी। तो बताओ क्या बनता है इसका, इंपल्स आते डेरिवेटिव में, बोलिए, हाँ, तो क्या बनता बताओ जरा। अगर ये एफ टी है मेरा, तो जीरो पे बताओ कितना हाइट का बदलाव हो रहा है, टू का, तो इसका यहाँ पे टू एरिया का इंपल्स आता। अच्छा, वन पे बताइए, वन पे क्या होता है, माइनस फोर, वन पे माइनस फोर, और टू पे क्या होता, राइज कर रहे हैं, तो प्लस वन, प्लस टू सॉरी, जो भी है, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या बनता, इसका डेरिवेटिव बनता। तो मैं कह सकता हूं यूटी का जो डेरिवेटिव है, यूटी का जो डेरिवेटिव है वो है मेरा इंपल्स सिग्नल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इंपल्स को इंटीग्रेट करूं माइनस इंफिनिटी से टी तक, तो क्या बनेगा, वो बनेगा यूटी, ठीक है, ये बनेगा मेरा यूटी, बोलिए कोई दिक्कत है तो, सही है। अब मैंने टी जानबूझ के रखा है, क्यों, क्योंकि मैं फंक्शन की फॉर्म में चाहता हूं, टी का फंक्शन मुझे चाहिए। अगर मैंने कॉन्स्टेंट लिमिट रख दी तो ये तो वन बन जाएगा, और डिपेंडिंग ऑन टी की वैल्यू क्या है, अगर मान लीजिए आपने कॉन्स्टेंट लिमिट रखी, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, तो जीरो आएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसका एरिया, एरिया निकाल रहे हो ना आप, एरिया तो है ही नहीं, समझ रहे मेरा पॉइंट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक कवर ही नहीं हुआ ये। और अगर मान लीजिए मैं वन रख देता तो क्या बनता फिर, ये तो फिर वन बनता, फंक्शन ना आता ना, मुझे तो टाइम का फंक्शन चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे क्या रखा है, टी। ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि टी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर टी मेरा नेगेटिव होगा, सोचिए, तो ये भी जीरो, तो ये भी क्या होता है, टी नेगेटिव होता है तो जीरो, सही बात है। तो ऐसे अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि टी मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, टी मेरा पॉजिटिव होगा तभी ये यूटी बनेगा, ऑब्वियसली तभी वन बनेगा ये, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि यूटी को डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा टी आएगा, और डेल्टा टी को इंटीग्रेट करोगे तो यूटी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, जीरो से टी लोगे तब भी एक ही बात है, क्योंकि वैसे भी माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक तो कोई फंक्शन था ही नहीं है, मतलब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, जरा देखो, इसको लिख सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से जीरो डेल्टा टी डी टी प्लस जीरो से लेकर टी तक डेल्टा टी डी टी, तो ये तो क्या बन गया, जीरो बन गया, अगेन ये क्या बन जाएगा, यूटी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज ये भी आपका एक तरह का यूटी ही बनेगा, ठीक है। अपर लिमिट जीरो माइनस तक ले लो आप, जीरो एग्जैक्ट पॉइंट मत इंक्लूड करो, ठीक है ना, जीरो माइनस, और ये जीरो माइनस से आगे फिर ये लो, ठीक है ना।
तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली ये भी क्या रहेगा, यूटी ही रहेगा। ठीक है, इस पॉइंट को समझिए भी। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं इसको रब कर दूं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जरा देखिए। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि u ऑफ t माइनस टू आ गया, मान लीजिए d बाय डी टी, तो आप बताओ क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा डेल ऑफ t माइनस टू। सिंपल है, u ऑफ t माइनस टू का डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेल ऑफ t माइनस टू, सिंपल। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं d बाय डी टी ऑफ u ऑफ ए टी प्लस बी, इसका क्या बनेगा बता सकते हो? तो पहले अंदर वाले को सिंप्लीफाई करो, d by dt of u of t plus b by a, पहले ये लिख लो, सही है, और फिर इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा डेल्टा t plus b by a। ठीक है, गलती से भी इसको ऐसे नहीं लिखना है, पहले इसको कहीं आप पहले कहीं आप सोच रहे हो कि इसको आप सीधा डायरेक्टली डेल्टा u की जगह डेल्टा लिख दो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है भाई, ये नहीं लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो एरिया क्या हो गया, वन बाई ए, यहाँ से एरिया वन बाई ए नहीं होता, इसकी हाइट वन ही होती है, तो एरिया वन आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए ऐसा करेंगे, ये गलती नहीं कर रहे, टी का क्वेश्चन वन बनाना ऑलवेज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं रब कर रहा हूँ अब इसको, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आप अल्टीमेटली मेरे पास ये आ जाएगा, लेकिन फिर टी तक आप रखिएगा। ठीक है ना, मतलब आप इसको अगर लिख रहे हो तो ऐसे लिखो टी माइनस टू डी टी इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी से टी तक, ये बनेगा यू टी। समझ आया अभी, बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ऑब्वियसली टी की वैल्यू टू से बड़ी होगी तभी ये बनेगा, क्योंकि टी की वैल्यू अगर टू से छोटी होती तो जीरो बनेगा, तो इधर भी तो जीरो, एक मिनट, यू टी माइनस टू, अगर टी की वैल्यू टू से छोटी हुई तो अपने आप ये क्या बन जाएगा, जीरो, और इधर भी क्या बन जाएगा, जीरो, अगर टी की वैल्यू टू से छोटी हुई तो ये कवर ही नहीं होगा उस रेंज में। ठीक है ना, पॉइंट को ध्यान दीजिए भाई, ठीक है ना। तो चलिए मैं रब कर रहा हूँ इसको। तो मैंने आपको बताया कि इम्पल्स सिग्नल हम कैसे देखते हैं, ठीक है, इम्पल्स को हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जरा उनको जरा सोल्व करते हैं। देखिए आपको प्लॉट करने डेल ऑफ कोस्टी, कैसे प्लॉट करोगे, डेल ऑफ कोस्टी का क्या मतलब है, इसको कैसे प्लॉट करोगे? हाँ, इसकी वैल्यू इसक हम जानते हैं, देखो डेल्टा टी को हमने क्या बोला था, डेल्टा टी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है एट टी इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट बनेगा, कब, ये क्या बनेगा, ये इनफाइनाइट बनेगा जब कोस टी मेरा क्या होगा, जीरो। कोस टी जीरो कब 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 होता है, अगर मैं कोस टी को प्लॉट करूं, पहले कोस टी को प्लॉट कर लो एक मिनट के लिए, ऐसे होता है, इस तरह का होता है, जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई, फाइव पाई बाय टू, ये टी इन सेकंड्स, ये है भी, ठीक है, ऐसे ये माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, सही है। अब जरा देखिए, तो अगर मैं बोलूं कि मुझे डेल ऑफ कोस टी प्लॉट करना है, तो इसका मतलब जहां जहां कोस टी मेरा जीरो हो रहा है वहां वहां क्या बनेगा, वहां वहां इंपल्स बनेगा, सही है ना। तो आप बताओ कैसा बनेगा, ये बताओ, इस जगह पे क्या बनेगा, इंपल्स, ये मेरा इंपल्स आएगा, यहां पे क्या बनेगा मेरा, इंपल्स। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का ये बनना चाहिए, इस तरह का बनेगा भाई, इंपल्स ट्रेन टाइप हो जाएगा, एक इंपल्स ट्रेन बन जाएगी। ठीक है भाई, तो आप इसको देखिए कि कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। नेक्स्ट है, अगर मैं बोलूं सिग्नम कोस्टी, टी इंटू सिग्नम कोस्टी, इसका ग्राफ बनाओ, ये तो आपको बनाना ना चाहिए, टी इंटू सिग्नम कोस्टी। अब ये ग्राफ मैं क्यों बनवा रहा हूं, क्योंकि आगे फोरियर सीरीज में इन सब का मैं यूज करूंगा। ठीक है, इन सब का मैं आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकलवाऊंगा, तो आप इनके ग्राफ बनाना अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, टी इंटू सिग्नम कोस्टी, सबसे पहले सिग्नम कोस्टी बनाते हैं। ठीक है,
उसके बाद में टी से मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखिए तो सिग्नम कॉस टी का कैसा बनेगा, पहले ये देखते हैं। तो आप बताओ अगर ये वन बनेगा इफ कॉस टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस वन इफ कॉस टी इज लेस देन जीरो एंड जीरो इफ कॉस टी इज जीरो। सही है, तो पहले सिग्नम कॉस टी बना लेते हैं। देखिए ये मेरा कोसाइन वेव है, सही है, जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू टू पाई, फाइव पाई बाय टू, ठीक है जी, इस तरह का। तो अब मुझे बताइए अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक देखूं, तो क्या बनेगा बताओ जरा, वन, फिर आपका यहां से आता क्या बनेगा माइनस वन, फिर अगेन वन, तो एक तरह का पीरियोडिक फंक्शन बनेगा ये, कुछ इस तरह का बनेगा। अब मुझे क्या करना है बताओ, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ बताओ, ये वन बनेगा और ये माइनस वन बनेगा, सही है ना। अब मुझे टी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो टी कैसा होता है, टी तो ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक ये वन है, तो टी को वन से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, सेम यही आ जाएगा, बोलिए, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक, तो सेम यही बनेगा, बोलिए ना। अब आप बताइए पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू के बीच में क्या है बताओ जरा, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू के बीच में क्या होगा, बोलिए, या माइनस पाई बाय टू से माइनस थ्री पाई बाय टू के बीच में क्या होगा बताओ, ये पलट जाएगा, क्यों पलट जाएगा, क्योंकि यही कर्व होगा टी इंटू में माइनस वन करना है, तो क्या बनेगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसका तो मैं ऐसे डॉटी लगा लेता हूं, इसी का रेप्लिका भी बना लेता हूं, और जो ऊपर आया था उसको कहां पे ले आता हूं, बोलिए, नीचे ले आता हूं। सिमिलरली जो ये है इसमें देखो ये नेगेटिव था, ये कहां पे चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्या कहते हो, क्योंकि माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आ जाएगा, बोलिए दोस्तों। तो कुछ इस तरह का बनेगा जो ग्राफ आएगा, वो कुछ इस तरह का आएगा, ध्यान से देखिए, ऐसे था फिर नीचे एकदम से, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर एकदम से ऊपर चला जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है ना, फिर इसके बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर ऐसे आ जाएगा, सही है जी, फिर इसके बाद क्या होगा, अगेन आप समझ गए ना, ऐसे जाता जाएगा। तो अब देखना ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, रिपीट नहीं कर रहा, ऐसे ऊपर फिर से ऊपर, ठीक है, तो इस तरह का ये बनेगा। तो आप देखिए कि किस तरह का ग्राफ आया ये, टी इंटू सिग्नम टी कॉस टी, हालांकि इसका इंपल्स है, कोई लेना देना नहीं था अभी के लिए तो, ठीक है, बट फिर भी आप इसको देखिएगा। अगर मैं बोल दूं कि इंटू डेल्टा टी माइनस थ्री डी टी और इसको इंटीग्रेट कर दो, तो क्या बनेगा आंसर, तो मुझे पहले इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, टी इक्वल टू थ्री पे क्या है, टी इक्वल टू थ्री पे इसकी वैल्यू तो थ्री है, इसकी वैल्यू क्या है, वन है कि माइनस वन है, तो वो देखो सिग्नम ऑफ कॉस टी, तो सिग्नम ऑफ कॉस टी कैसा है बताओ, पाई का मतलब 3.14 होता है, ठीक है, पाई का मतलब 3.14 होता है, और पाई बाय टू का मतलब मे बी 3.14 डिवाइड बाई टू, तो मतलब थ्री पे वैल्यू जो होगी वो समवेयर यहां पे कहीं आएगी, इसका मतलब क्या वैल्यू है माइनस वन, इसकी वैल्यू होगी माइनस वन और इसकी वैल्यू होगी थ्री, तो आंसर क्या आएगा माइनस थ्री, समझ आया। तो जरा देखिए, तो इसका मतलब इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए ना कैसे बनेगा, ठीक है, तभी तो आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे टी इक्वल टू थ्री पे, नहीं बोलिए ना, क्लियर है, बोलो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, तो देखिए मैं रब कर रहा हूं इसको, देखिए दोस्तों एक आपको दे रखा है, एक क्वेश्चन मेरा है,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन टी इंटू डेल टी माइनस पाई बाय फोर प्लस डेल डैश मतलब डबलेट फंक्शन आ गया टी माइनस पाई बाय टू प्लस डेल डबल डैश टी माइनस पाई एंड डी टी. आपको पता नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी क्या वैल्यू होगी. ठीक है जी, तो जरा देखिए दोस्तों मैं इसको कैसे लिखूंगा. मैं इसको लिखूंगा साइन टी इंटू बोले क्या बनेगा डेल टी माइनस पाई बाई फोर डी टी. एक तो ये टर्म आ जाएगी प्लस बोलिए साइन टी इंटू डेल डैश टी माइनस पाई बाई टू डी टी सही है प्लस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्या बनेगा साइन टी इंटू डेल डबल डैश टी माइनस बोले दोस्तों सही है. अब इसकी वैल्यू तो बड़ी आसान है क्या साइन ऑफ पाई बाई फोर ये आंसर आ गया. अब ये बोलिए ये बनेगा माइनस वन की पावर वन. इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस और इसमें टी की वैल्यू क्या पुट कर दो टी की वैल्यू क्या पुट कर दो पाई बाय टू नहीं बोलो ना सही है बोलिए माइनस वन की पावर वन कोस ऑफ इसका डेरिवेटिव कोस होता ना कोस ऑफ टी टी की वैल्यू पाई बाय टू पुट कर दो बोलिए. अगला बोलिए अगला क्या बनेगा प्लस ये प्लस आएगा भाई यहाँ पे ये प्लस है ठीक है भाई. हाँ अगला भी देखिए यहाँ पे प्लस है. अब बताओ यहाँ पे डबल डेरिवेटिव होता है माइनस वन की पावर टू साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा डबल डेरिवेटिव लेना है साइन का कोस और कोस का माइनस साइन टी लेकिन टी की जगह पे क्या पुट करो पाई सही है ये बनेगा. तो बताओ क्या आंसर आया ये खत्म आंसर इज वन बाई रूट टू समझ आया. तो इसका आंसर होगा वन बाई रूट टू. देखिए दोस्तों मैं अब कर सकता हूं बोलिए. तो ये फंक्शन क्या था उसको जरा देखिएगा. चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है थोड़ा सा और आगे चलते हैं. मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों ठीक है कुछ और सिग्नल देखते हैं. रब कर दूं इधर से कर. देखिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और लेते हैं. देखिए अगर मैं बोलूं 4e की पावर माइनस टू टी टी स्क्वायर माइनस टू टी डेल कोस ऑफ टी एंड मे बी नहीं मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूं भाई. मैं जो फंक्शन है थोड़ा सा अलग तरह से ले रहा हूं. ये मान लीजिए मेरा एफ टी सिग्नल है डेल कोस ऑफ टी डी टी ठीक है. इसको मुझे देखना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ठीक है दोस्तों कुछ इस तरह से मेरा फंक्शन है और एफ टी की वैल्यू आपको दे रखी है. एफ टी जो है वो कुछ इस तरह का है 0, 1, 2 इस पर हाइट 1 है यहाँ पे हाइट है e की पावर प्लस 4 मतलब e की पावर माइनस टू टी का पार्ट था. ये मेरा एफ टी है ठीक है. मुझे इसका बताना है क्या आंसर आएगा. तो आप जरा सोचिए क्या बनेगा इसका ठीक है. आप बता आंसर इसका प्लॉट बना लीजिए बस या मे बी आप इसका आंसर भी बता सकते हैं. इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा. e की पावर टू टी का पार्ट है ये की पावर टू टी सही है जी. तो कैसे करोगे इसका ग्राफ पहले बना लो और आप देखो 0 से लेकर 2 तक कितने इंपल्सिस आ रखे हैं इसके क्योंकि 0 से लेकर 2 तक ही तो मल्टीप्लिकेशन आएगा. 0 से लेकर 2 तक कितने इंपल्सिस आ रखे हैं इसके. तो अभी बनवाया था मैंने इसका ठीक है ना. तो 0 से लेकर 2 तक देख लो कितने इंपल्सिस हैं. वो इंपल्स ले लो बस यहाँ पे और एफ टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और बाद में फिर वही प्रॉपर्टी लगा दो. सिंपल कहानी है ठीक है ना. तो आप जरा इसके बारे में सोचिए दोस्तों ठीक है क्या बनेगा. चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं ठीक है. देखिएगा मैं रब कर रहा हूँ इसको रब कर लो. कई बार ऐसे आ जाता है साइन टी माइनस पाई बाय टू
साइन टी माइनस वन, नॉट पाई बाई टू, या वन माइनस साइन टी लिख लीजिए, वन माइनस साइन टी डिवाइड बाई टी माइनस पाई बाई टू डेल्टा टी माइनस पाई बाई टू डी टी फ्रॉम इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. बताओ क्या आंसर आएगा. तो कैसे आंसर निकाले इसका दोस्तों, जरा देखिए, मुश्किल नहीं है. टी की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी इसमें, पाई बाई टू, बट पाई बाई टू पे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है. तो अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो इसके अंदर वैल्यू कैसे निकाले फिर, तो इसका एलोपिटल रूल लगाना पड़ेगा, सही है ना, तभी इसकी वैल्यू बनेगी. तो आप बताओ, वन माइनस साइन टी डिवाइड बाई टी माइनस पाई बाई टू, इस पर लिमिट अप्लाई करो टेंस टू पाई बाई टू, क्या वैल्यू आएगी इसकी. तो बताओ इसका एलोपिटल रूल लगाओ, तो माइनस साइन टी का डेरिवेटिव लो ऊपर वाले का, माइनस कोस टी डिवाइड बाई नीचे वन, और अब टी की वैल्यू क्या पुट करो पाई बाई टू, क्या बनेगा जीरो. इसकी वैल्यू इसका अंदर पाई बाई टू पे क्या आएगी, जीरो वैल्यू आएगी. तो आंसर क्या आएगा, जीरो. समझ आया. तो आप देखिए कई बार ऐसे लिमिट में आ जाते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू हमें कई बार फाइंड करनी पड़ जाती है, ठीक है ना. तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे वो जरा देखिए, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं. चलिए एक दो क्वेश्चन और है उनको जरा देख लेते हैं. देखिए मैं रब कर रहा हूँ इसको, मैं इसको रब कर रहा हूँ. देखिएगा, अगर मैं बोलूँ कोई एफ टी दे रखा है आपको, एफ टी दे रखा है थ्री बाई एप्सिलॉन क्यूब टी माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, टी माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, हाँ जी, टी की जो वैल्यू है वो आपकी दे रखी है जीरो से लेके एप्सिलॉन के बीच, इस तरह का कोई फंक्शन है. अब ये कह रहा है कि मेरे पास कोई जी टी फंक्शन है, e की पावर माइनस टू टी साइन थ्री टी, ये फंक्शन है जी टी, ठीक है, और आपको किया हुआ है जी टी इंटू लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंस टू जीरो एफ टी, और इसको फिर इंटीग्रेट किया हुआ है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आपसे पूछा है क्या वैल्यू आएगी, ठीक है. तो जरा देखिए कैसे करेंगे. पहले क्या कीजिए, एफ टी की वैल्यू निकालिए लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो पे. अगर एप्सिलॉन जीरो कर दूंगा तो एफ टी क्या बनेगा, मुझे देखना. एफ टी का ग्राफ देखते हैं पहले, ठीक है. देखिए एफ टी का ग्राफ कैसा बनेगा, टी इक्वल टू जीरो पे बताएंगे क्या बनेगा. टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन क्यूब आएगा, तो क्या बनेगा बताओ, थ्री बाई एप्सिलॉन, ठीक है जी. और टी इक्वल टू एप्सिलॉन पे क्या बनेगा, t इक्वल टू एप्सिलॉन पे क्या वैल्यू बनेगी बताओ, जीरो, यहाँ पे आएगी जीरो, जीरो से एप्सिलॉन के बीच बनाना, तो कुछ पैराबोलिक टाइप बनेगा इस तरह का, ठीक है भाई, कुछ इस तरह का बनेगा. मुझे इसका एरिया निकालना है, क्या होगा, मैं इसका एरिया देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर एप्सिलॉन मेरा जीरो होगा तो ये थ्री बाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इन्फिनिट. इसका मतलब काइंड ऑफ क्या बनेगा, इंपल्स. सोचे ना ये हाइट क्या बन जाएगी एप्सिलॉन अगर टेंस टू जीरो होगा, एफ टी एप्सिलॉन टेंस टू जीरो है ना, तो आप बताओ एप्सिलॉन टेंस टू अगर जीरो होगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये तो इन्फाइनिट और ये जीरो पे आ जाएगा. इसका मतलब इंपल्स टाइप बनेगा, बट वो इंपल्स कितने एरिया का बनेगा, टू एरिया या थ्री एरिया या फोर एरिया, सही है. तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसका, ये ट्रायंगल थोड़े ना है, ये तो पैराबोलिक फंक्शन है, ठीक है ना. तो इसका मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ने इसका एरिया देखते हैं, इसका एरिया क्या होगा, थ्री एप्सिलॉन क्यूब टी माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर डी टी फ्रॉम जीरो टू एप्सिलॉन, बोलिए भी सही है. मैं इसका एरिया देखना चाहता हूँ क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन का सारा ले सकता हूँ, बल्कि आप इसको खोल ही दो ये होल स्क्वायर को, तो बनेगा टी स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस टू टी एप्सिलॉन डी टी, सही है. तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये बनेगा जीरो टू एप्सिलॉन थ्री टी स्क्वायर बाई एप्सिलॉन क्यूब प्लस थ्री बाई एप्सिलॉन माइनस 60 by epsilon square dt. बोलिए दोस्तों सही है. तो अब बताओ इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये 3 by epsilon cube तो अंदर आ गया, ये बनेगा epsilon cube by 3, सही है, प्लस
3 बाई एप्सिलन इधर आ गया और ये बनेगा एप्सिलन, ठीक है, माइनस 6 बाई एप्सिलन स्क्वायर इधर आ गया और ये बनेगा एप्सिलन स्क्वायर बाई 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, ठीक है। तो आप बोलिए ये कट गया यहाँ से, ये कट गया यहाँ से, क्या बना 1 प्लस 3, ठीक है, ये कट गया यहाँ से, क्या बचा माइनस 3, तो क्या आया आंसर 1, इसका मतलब इसका एरिया क्या रहेगा 1। तो अगर मेरा एप्सिलन को अगर मैं चेंज भी कर दूंगा तो एरिया ऑलवेज एप्सिलन के इंडिपेंडेंट आ रहा है, एरिया क्या रहेगा इसका 1 रहेगा, इसका मतलब इसका एरिया ऑलवेज 1 रहेगा, एप्सिलन को अगर चेंज भी कर दोगे तब भी एरिया 1 रहेगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा बताओ जरा, ये तो डेल्टा टी नहीं बन जाएगा काइंड ऑफ, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा, ये बनेगा जी टी इंटू डेल्टा टी। तो अब तो बड़ा आसान हो गया भाई, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा जी ऑफ 0, सही है, आंसर आएगा जी ऑफ 0। तो आप देख सकते हो जी ऑफ 0 क्या बनेगा, टी इक्वल टू 0 पुट कर दो, आंसर इज 0, ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे कोस होता तो निकल आता, एनीवे टी की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं 0 नहीं हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ 0, ये आंसर बनेगा, ठीक है। और अगर कुछ डिफरेंट वैल्यू होती तो उसके हिसाब से आंसर निकल आता, मतलब सिर्फ यहाँ तक सोचना था, और जरूरी नहीं है एरिया ऑलवेज 1 बने, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप हर टाइम इंपल्स से रिप्लेस नहीं कर सकते हो आप इसको, यूनिट इंपल्स है, क्या पता यहाँ पे 3 की जगह बजाय 6 होता है, यहाँ पे सोचिए अगर 6 होता तो क्या बनता, ठीक है, तब भी क्या यही रहता, ठीक है, तो जरा सोचिएगा कि 6 होता या मे बी यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन बाई 2 होता, ठीक है, 0 से लेकर एप्सिलॉन बाई 2 तक होता, तब फिर क्या बनता। तो आप अकॉर्डिंगली आप थोड़ा दिमाग लगाइए इस पे कि कैसे बनेगा, आपको दिमाग लगाना है कि ये इसका एरिया क्या होगा, अगर एरिया 2 बनता तो इसको 2 डेल्टा डी लिखता मैं यहाँ पे, समझ ना मेरा पॉइंट, और जरूरी नहीं है ऑलवेज 0 पे ही आइए, कि शिफ्टेड फंक्शन हो सकता है, कहीं और से शुरू हो रहा हो, तो ऐसा हो सकता है कि टी माइनस में भी कुछ बन जाए, टी डेल्टा टी माइनस 3/2 बन जाए, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑलवेज 0 पे ही आए, ये तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 पे आ रहा है, समझ रहे मेरा पॉइंट। तो आप कंसेप्ट को समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से ही हमें जरा सोचना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं रब कर दूँ इसको, रब कर दूँ भाई, नेक्स्ट जरा देखिए, देखिए देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एफ टी, और उसका डेरिवेटिव हमें बताना है, ठीक है ना, एफ टी मुझे दिया हुआ है, मुझे इसका डेरिवेटिव बताना है क्या होगा, डेरिवेटिव इसको इंटीग्रेट करना है भाई, हाँ जी इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये दे रखा आपको -5 एरिया का इंपल्स है, ठीक है, यह 1 यह 2, 3, 4 तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों, इनिशियल वैल्यू आप 0 लेके चलिए, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, इस इज VLT, कोई इंडक्टर है 2 हेनरी का, उसके अक्रॉस इस तरह की वोल्टेज अप्लाई की गई है, आपको बताना है करंट कैसा आएगा, ठीक है, इनिशियल करंट आप 0 लेके चल सकते हो, ठीक है जी, देखें देखें दोस्तों कैसा करंट, करंट की वेवशेप देखते हैं कैसे आएगी, IT, तो IT क्या होगा आप जानते हो, इंडक्टर में करंट क्या होता है, IT इक्वल टू I0 प्लस 1 बाई L इंटीग्रेशन 0 से T VLT dt, सही है, यही बनेगा, बोलिए ना ये कैसे बना बताओ, हम जानते हैं LdIdt क्या होता है, VLT होगा ये, तो dt को इधर ले आओ, तो DILt इज इक्वल टू 1 बाई L VLT इंटू dt, अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो IL मेरा कहां से कहां तक 0, IL 0 से लेके कहां तक जा रहा है, ये ILt तक जा रहा है, और ये मेरा 0 से लेके t तक जा रहा है, तो अब बताओ इसको अगर मैं, क्योंकि टाइम मेरा 0 से t पे जा रहा है, तो करंट IL 0 से लेके ILt तक जा रहा है, t = 0 पे करंट मेरा IL 0 था,
तो आप बताओ यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आई एल टी माइनस आई एल जीरो इज इक्वल टू वन बाई एल इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक वी एल टी डी टी। सही बात है। अभी माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा बताओ जरा, प्लस का। तो ये बनेगा आई एल टी इज इक्वल टू आई एल जीरो प्लस वन बाई एल जीरो से लेकर टी तक वी एल टी डी टी। सही बात है भाई। तो ये बनेगा मेरा, ठीक है। तो यही तो मैंने लिखा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इनिशियल करंट शुरू में क्या लेना है मुझे, जीरो। वी एल टी की वैल्यू आपको कुछ ये ग्राफ दे रखा है, इससे पता चल जाएगी। स्लोप बताइए क्या है, स्लोप इसका वन बनेगा। दो से लेकर चार पे गए हो आप, तो चेंज इन हाइट इज टू डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, टाइम में भी दो का है, तो इसका अंदर क्या बनेगा स्लोप इसका, वन। तो वन इंटू टी, ठीक है। अब टी की वैल्यू जीरो पे हाइट टू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट करने से हाइट जीरो आ रही है, तो इसका अंदर क्या करेंगे प्लस टू, ठीक है। उसके बाद लाइन है मेरी जीरो, और उसके बाद क्या है माइनस फाइव डेल्टा टी माइनस फोर। सही है, मेरे पास फंक्शन की इक्वेशन आ गई, यहाँ पे टी प्लस टू है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे माइनस फाइव टी माइनस फोर, माइनस फाइव डेल्टा टी माइनस फोर। सही है ना। तो अब जरा देखें दोस्तों, इसको जरा सोल्व करते हैं। तो इनिशियल करंट क्या बनेगा मेरा, जीरो प्लस वन बाई एल, वन बाई टू हो गया, जीरो से लेकर टी तक टी प्लस टू डी टी। सही बात है। तो अब बताओ क्या बनाइए, ये बना वन बाई टू तो बाहर आ गया, टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी। बोले दोस्तों ये बना कि नहीं बना, ये मेरा क्या बनेगा करंट। तो t इक्वल टू जीरो पे बताओ कहां से शुरू होगा, t इक्वल टू जीरो पे जीरो से स्टार्ट होगा, और कहां तक रहेगा ये, t की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको, टू तक बस। क्यों भाई, क्योंकि ये वी एल टी का ये जो इक्वेशन है ये कब तक वैलिड है, t प्लस टू, ये केवल जीरो से टू के बीच में वैलिड है, ठीक है ना। तो आप बताइए जीरो से स्टार्ट हो गए कहां तक बताओ, टू तक, जीरो से लेकर टू तक क्या बनेगा, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी, टू पे क्या वैल्यू आएगी बताओ, वन बाई टू टू प्लस फोर क्या बनेगा बताओ, थ्री, और पैराबोलिक जाएगा, टू पे इसकी वैल्यू होगी थ्री, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला आएगा, ठीक है। अब सुनिए, ये थ्री मेरा इनिशियल करंट हो चुका है, अब वोल्टेज अगले हाफ में क्या है, जीरो। तो अब बताओ अब आई एल टी क्या बनेगा, आई एल टी बनेगा इनिशियल करंट आई एल टू प्लस वन बाई एल टू से लेकर टी तक वी एल टी डी टी। तो आई एल टू क्या हो चुका है मेरा, थ्री, थ्री एम्पियर हो चुका है, प्लस ये जीरो हो गया। अब टू से आगे, टू से लेके कहां तक, फोर तक क्या रहेगा अंदर, जीरो, जीरो डी टी, टू से लेके टी तक। टी की वैल्यू फोर से लेस होनी चाहिए और टू से बड़ी होनी चाहिए, तभी वी एल टी मेरा जीरो रहेगा। सही है, बोलिए। तो क्या बनेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्यों भाई, क्योंकि जीरो आ गया तो इंटीग्रेशन में थोड़ी ना बनेगा। तो क्या आंसर आएगा बताओ, इसका मतलब क्या रहेगा करंट मेरा, फोर तक क्या रहेगा बताओ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन रहेगा। बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए अगले में, अब आई एल टी क्या बनेगा, फोर के बाद ये बनेगा आई एल फोर प्लस वन बाई एल फोर टू टी डी टी। सही है ना, फोर टू टी वी एल टी डी टी, वी एल टी डी टी। बोलिए दोस्तों, सही है। तो अब बताओ क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये तो थ्री बन गया, प्लस वन बाई टू, ये बोलिए वी एल टी की जगह पे क्या पुट कर दो, माइनस फाइव डेल्टा टी माइनस फोर। तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, माइनस फाइव यू ऑफ टी माइनस फोर। इंपल्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यू टी नहीं होता, बोलिए ना। तो फोर से आगे का है, तो फोर आगे तो इसमें इंक्लूड हो गया भाई, और टी है तो इसका आंसर वेरिएबल की फॉर्म में आएगा, अगर कॉन्स्टेंट होता तो वन लिखते, नहीं समझ रहे मेरा पॉइंट, ये बनेगा। तो क्या बना बताओ जरा, ये बन गया थ्री माइनस टू पॉइंट फाइव यू ऑफ टी माइनस फोर, ठीक है। ये करंट आएगा कब बताओ, कौन से पॉइंट से आगे, फोर से आगे, टी की वैल्यू फोर से आगे, तो फोर से आगे इसका मतलब कितना बनेगा, पॉइंट फाइव, थ्री तो ये है ही और उसमें से टू पॉइंट फाइव और माइनस कर दो, क्या बनेगा बताओ, पॉइंट फाइव, पॉइंट फाइव चलता रहेगा। सही है जी, ध्यान से देखिए भाई, क्लियर है।
इस तरह का मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा। देखिए दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फोर से आगे है ये करंट, ठीक है, क्योंकि फोर से आगे तो हम देख रहे थे, क्योंकि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह का मेरा करंट की वेव शेप बनेगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप जरा उनको सोल्व करना, ठीक है। मैं रब कर दूँ इसको, रब कर दूँ, चलिए नेक्स्ट रहा। देखिए एक दो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप उनको कीजिएगा। आपको प्रूव करना है कि डेल्टा डैश टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश माइनस एक्स माइनस टी, ठीक है भाई, ये प्रूव कीजिए, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, एक आपको प्रूव करना है माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डेल्टा डैश टी, ठीक है जी। ये दो चीजें, ये आपका होमवर्क है भाई, आप खुद कीजिएगा इनको, ठीक है। और हो सके तो आप कोई अगर कोई पिक्चर वगैरह पोस्ट कर सके कहीं पे, ठीक है, तो मे भी अगर कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट कर सकें या फिर कुछ लिख सकें तो आप ज़रूर मुझे पोस्ट कीजिएगा। इनका सॉल्यूशन आप देखिएगा, मतलब इनको प्रूव कीजिएगा ये ठीक है, ठीक है, तो आप इसको प्रूव कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं रैप कर दूं। तो हमने डिस्कस किया, चार सिंगुलैरिटी फंक्शंस हम देख चुके हैं, कौन कौन से आप बताएंगे। एक हमने डिस्कस किया स्टेप फंक्शन, दूसरा उसके बाद हमने क्या किया रैम फंक्शन, उसके बाद हमने देखा इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज आई, ठीक है, उनको आप देखिएगा। और उसके बाद हमने आज के एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस किए इम्पल्स के ऊपर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे वाले सिंगुलैरिटी फंक्शंस पे चलते हैं, और वो है मेरा पैराबोलिक फंक्शन, ठीक है ना। तो पहले मैं पैराबोलिक फंक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है जी, पैराबोलिक सिग्नल पीटी से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है भाई। देखिए इसमें कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है, बट ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, ये पैराबोलिक पैराबोला टाइप होगा, तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो मैं बोलूँगा पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू, अगर टी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो, एंड जीरो अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो जीरो से आगे ये टी स्क्वायर बाई टू बनेगा, और जीरो से पहले ये आपका जीरो रहेगा, ये बनेगा पी टी, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास डेल्टा टी है, डेल्टा टी को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वो क्या बनेगा, यू टी, सही है, वो बनेगा यू टी। अच्छा, अगर मैं यू टी को इंटीग्रेट करूं तो ये बनेगा आर टी रैम, आप चेक करके देख सकते हो, यू टी की वैल्यू जीरो से आगे क्या बनेगी वन, तो वन डी टी को अगर आप करोगे तो क्या बनेगा, देखो ना इसको, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसको मैं लिख सकता हूँ वन डी टी, लेकिन फिर जीरो से टी तक लिखिए, क्यों, क्योंकि यू टी की वैल्यू वन होती है, कहाँ से आगे, जीरो से आगे, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक का कोई मीनिंग नहीं है इसका मतलब, तो जीरो से लेकर टी तक कर दो, आप क्या आंसर आया बताओ जरा, टी आंसर आ गया, लेकिन आप जानते हो टी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब क्यों ना मैं इसके साथ टी यू टी लिख दूँ, अपने आप अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे, इससे अंडरस्टूड है कि टी कहाँ से आगे का है, जीरो से आगे का है, तो टी यू टी का मतलब क्या होता है आर टी, समझ आया। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब ये टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को मैंने यू टी में इंक्लूड कर दिया, ठीक है, कि ये फंक्शन है बस, लेकिन जीरो से आगे है ये फंक्शन, तो इसलिए मैं यू टी लगा देता हूँ, तो उसका मतलब भी तो यही होता है कि जीरो से आगे है, ठीक है ना। तो यू टी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा आर टी। अब आइए, अगर मैं बोलूँ आर टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करें तो क्या बनेगा, आर टी की वैल्यू क्या होती है, टी होती है, लेकिन कहाँ से आगे होती है, जीरो से, तो क्या बनेगा ये टी स्क्वायर बाई टू, और ये किसके लिए है टी ग्रेड, तो ये तो क्या बन गया, ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये तो पी टी की डेफिनेशन नहीं, पैराबोलिक फंक्शन। तो आप ध्यान दीजिए, तो अगर मैं बोलूं कि आर टी को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा पी टी, ठीक है, पैराबोलिक फंक्शन आ जाएगा,
तो ये आप नोट कर लीजिए. अच्छा, कुछ बुक्स में जीरो से लिखा होता है, वो भी एक ही बात है. क्यों भाई? क्योंकि जीरो से पहले ये फंक्शन है ही नहीं. तो अगर माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक लिखोगे तो वो तो वैसे भी जीरो हो जाना है, ठीक है? तो एक ही बात है, इससे आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़े क्या. तो मैंने बोला पैराबोलिक फंक्शन क्या होता है. अब अगर आप उल्टा चलोगे ना, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ पी टी बताओ क्या बनेगा, वो बनेगा आर टी. सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ आर टी क्या बनेगा बताओ, वो बनेगा यू टी. और डी बाई डी टी ऑफ यू टी क्या बनेगा बताओ, वो बनेगा डेल्टा टी. सही है. अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं डी बाई डी टी ऑफ यू ऑफ ए टी प्लस बी, वो क्या बनेगा, वो डेल्टा ए टी प्लस बी नहीं बनेगा. पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो बनेगा डेल्टा टी प्लस बी बाई ए. समझा? सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ आर ऑफ ए टी प्लस बी, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा ए यू ऑफ टी प्लस बी बाई ए. और ए में मेरा साइन है, ध्यान देना, ए मेरा क्या रहेगा, ए मेरा पॉजिटिव रहेगा, साइन इंक्लूड नहीं किया मैंने, सिर्फ पॉजिटिव रखूंगा मैं इसको, ठीक है. ध्यान रहेगा पॉइंट मेरा, क्योंकि इसको पहले सिंप्लीफाई करो. इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ, बोलिए ना. ये बन जाएगा ए आर ऑफ टी प्लस बी बाई ए, टी का कोफिशियंट वन होना चाहिए, उसके बाद ही डेरिवेटिव लेना है, ध्यान दीजिएगा. तो ये बनेगा ए यू ऑफ टी प्लस बी बाई ए, ठीक है. ऐसे ही अगर मैं बोलूं डी बाई डी टी ऑफ पी टी, हालांकि पी टी में पी ऑफ ए टी का कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब अदरवाइज वो, या चलो कर लो आप ए टी प्लस बी कर लो. चलो आप बोलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी ऑफ ए टी प्लस बी क्या आएगा बताएंगे, क्या ये आर टी आर ऑफ ए टी बनेगा क्या, बोलिए बोलिए ना. मुझे एक बात आइए, अगर पी टी मेरा ये है तो पी ऑफ ए टी क्या होगा, ये बन जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू. तो इसका डेरिवेटिव अगर मैं बोलूं तो क्या बनेगा बताओ जरा, बोलिए ना, ये बनेगा ए टी. सही है, इसका मतलब ए आर टी बनेगा. तो इसका मतलब पी ऑफ ए टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ जरा, ए आर टी. सही है, ए आर टी. अच्छा एक और चीज ध्यान देना, पी टी होता है टी स्क्वायर बाई टू यू टी, है ना, यही होता है, बोलिए. तो पी ऑफ ए टी क्या बनेगा, बोलिए, ए टी का स्क्वायर बाई टू यू ऑफ ए टी, बोलिए. सही लिखा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू इंटू यू टी, यू ऑफ ए टी इज यू टी, यू ऑफ ए टी. तो इसका मतलब ये क्या बन गया, वापिस से पी टी बन गया, इसका मतलब ए स्क्वायर पी टी. तो पी ऑफ ए टी इज ए स्क्वायर पी टी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पी ऑफ ए टी इज ए स्क्वायर पी टी. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा ए स्क्वायर आर टी. तो मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, पी ऑफ ए टी इज ए स्क्वायर आर टी. भाई ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा मेरा, नहीं समझे क्या, और फिर इसका पी टी का डेरिवेटिव क्या होता है, आर टी. या फिर आप ये लिख लो इस तरह से, तो यहां पे ए स्क्वायर टी नहीं बनेगा, ए स्क्वायर टी और यू टी तो ऑब्वियसली साथ में है क्योंकि टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है. तो ए स्क्वायर टी आएगा भैया, गलती नहीं करनी, ठीक है, ए स्क्वायर टी आएगा. बोलिए दोस्तों, कोई दिक्कत है तो. लेकिन एक और चीज रह गई अभी, क्या ए टी प्लस बी, ए टी प्लस बी को कैसे बनाओगे वो जरा देखते हैं. पी ऑफ ए टी प्लस बी को भी जरा देख लेते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या बनेगा. मैं रब कर दूं क्या, बताइए, इसको रब कर दूं, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं. देखिए अगर मैं बोलूं कि पी टी है मेरे पास टी स्क्वायर बाई टू यू टी, ठीक है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए आइए. तो अगर मैं बोलूं पी ऑफ ए टी प्लस बी बनाइए, तो इसको बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, टी प्लस बी. इसका तो जो एक ग्राफ था इसका, इसको क्या करना पड़ेगा,
जो जीरो से स्टार्ट हो रहा था, इसको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा बताओ ना, माइनस बी से, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, सही है। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से स्केल करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा पी ऑफ ए टी प्लस बी, बोले दोस्तों। अब बताइए इसकी इक्वेशन भी बदलेगी क्या, इसकी इक्वेशन वही रहेगी टी स्क्वायर वाली, ये टी स्क्वायर इक्वेशन थी ना, तो क्या इसकी वही इक्वेशन रहेगी बताओ, क्या टी स्क्वायर वाली रहेगी क्या, है जी बताओ, पी ऑफ ए टी प्लस बी क्या बनेगा, ये बनेगा टी की जगह पे क्या हो गया ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाई टू, ये नहीं बना, तो क्या ये इसी की इक्वेशन है बताइए, हाँ जी बोलिए ना, माइनस बी बाई ए पे क्या बनेगा जीरो, ये तो ठीक है। अच्छा टी इक्वल टू जीरो पे क्या बनना चाहिए बताओ, ये क्या बनेगा टी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, तो इसका तो ठीक तो है इक्वेशन, इससे कोई दिक्कत नहीं है, टी प्लस बी भी अगर मैं बनाऊं तो ठीक है, ठीक है ठीक है, यही बनेगा सही, हाँ जी। तो ये इसकी इसकी वैल्यू ये बनेगी भाई, ठीक है ना, पी ऑफ ए टी प्लस बी को डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो ना आप, देखिए ना, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचना था, ये अपने को शिफ्टिंग स्केलिंग करने की जरूरत क्या है, इसमें तो मुझे डायरेक्ट पता है इक्वेशन क्या है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जरा देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, जरा सुनिए एक बार, पी टी की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर बाई टू यू टी, तो पी ऑफ ए टी प्लस बी क्या बनेगा बताइए ना, वो बनेगा ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाई टू यू ऑफ ए टी प्लस बी, बोलिए दोस्तों सही है क्या। अब जरा देखिए मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर बाई टू इन टू यू ऑफ टी प्लस बी बाई ए, सही है, यू ऑफ टी प्लस बी बाई ए, बोलिए भाई कोई दिक्कत है तो, करेक्ट है। अब जरा देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका तो डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आर ऑफ टी प्लस बी बाई ए, तो अगर मैं डी बाई डी टी ऑफ क्या लूँ बताओ जरा, पी डी बाई डी टी ऑफ पी ऑफ ए टी प्लस बी, अगर मैं ये लेने की कोशिश करूँ तो ये क्या बनेगा, इसको जरा देखते हैं, एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे अलग अलग लिख लेता हूँ, जरा देखिएगा, नहीं अलग अलग मत लिखो, आप दो फंक्शन है ये दो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ, पहले वाले का क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा ए टी प्लस बी इंटू यू ऑफ टी प्लस बी बाई ए, पहले इसका डेरिवेटिव इंटू ए भी आएगा भाई, इस पहले इसका डेरिवेटिव ले लिया और ये यूं का यूं रखा, प्लस बोलिए क्या आएगा, ये यूं का यूं रखिए और इसका क्या लिखिए, यू टी का क्या बनेगा आर ऑफ टी प्लस बी बाई ए, बोलिए भाई सही है ना, ना ना डेल्टा बनेगा, डेल्टा डेल्टा मैं गलत बोल रहा हूँ, डेल्टा बनेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात आई है, टी इक्वल टू माइनस बी बाई ए पे इसकी क्या वैल्यू है, जीरो, इसको ये प्रॉपर्टी याद करो मल्टीप्लिकेशन वाली, तो टी इक्वल टू कहाँ पे, माइनस बी बाई ए पे क्या बनेगा, ये तो जीरो बनेगा, ये खत्म हो जाएगा, तो सिंपली ये बचेगा, इसमें से मैं ए कॉमन ले लूँ तो बनेगा ए स्क्वायर टी प्लस बी बाई ए यू ऑफ टी प्लस बी बाई ए, सही है, और मैं इसको क्या ले सकता हूँ बताओ जरा, ए स्क्वायर आर ऑफ टी प्लस बी बाई ए, बोलिए दोस्तों सही है क्या, बोलिए ना, तो इसका था डी बाई डी टी ऑफ क्या, पी ऑफ ए टी प्लस बी क्या बना, पी इज माई पैराबोलिक फंक्शन, कौन सा क्या चीज, ना ना इंटीग्रल में क्यों कटेगा, एफ टी इंटू डेल्टा टी की प्रॉपर्टी क्या होती थी, तो टी की वैल्यू ये पुट नहीं करोगे इसके अंदर इंटू ये तो जीरो ही बन जाएगा, तो पूरा फंक्शन ही क्या हो गया, खत्म हो गया, तो इसका मतलब सिंपल ये बचेगा। तो देखिए दोस्तों अगर ए टी है तो सिर्फ ये आएगा, और ए टी प्लस बी है बताइए, पी ऑफ ए टी प्लस बी है तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर आर ऑफ टी प्लस बी बाई ए, इसको देखिएगा, ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, चलें आगे भाई, मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं इसको रब कर रहा हूं, तो इसका मतलब इंपल्स जो फंक्शन है उसको आप जरा देखिएगा कि कैसे वो हमारा बनता है, नॉट इंपल्स, पैराबोलिक फंक्शन, ठीक है, इसका ज़्यादा कोई खासा यूज नहीं होता है, ठीक है, बट फिर भी आप ये जो डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन का मैंने आपको बताया उसको आप थोड़ा देखिएगा कि इंटीग्रेशन से कैसे हम पैराबोलिक तक चलते हैं,
और डिफरेंशिएशन से पैराबोलिक से कैसे हम इंपल्स तक लेके आते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्लियर हो गया, मैं रब कर दूं इसको, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिएगा, नेक्स्ट है अपने पास रेक्टेंगुलर फंक्शन। नेक्स्ट लिखिए रेक्टेंगुलर फंक्शन, और मे भी रेक्टेंगुलर सिग्नल आप लिख सकते हो, रेक्टी, ठीक है, रेक्टेंगुलर फंक्शन, रेक्टेंगुलर सिग्नल, रेक्टी या पाईटी इस तरह से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है जी। ये इसका नोटेशन है, ठीक है भाई। अब इसका जो पाईटी का जो हम स्टैंडर्ड जो इसका नोटेशन लेते हैं वो कुछ इस तरह का होता है, माइनस हाफ से हाफ और ये हाइट आएगी वन, ठीक है जी। ये मेरा पाईटी होता है भाई, ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है, मतलब जो हमने अभी तक सीखा मैं उन्हीं से बना सकता हूँ इसको, ठीक है। कैसे, इसको यूटी की टर्म में नहीं लिख सकते हो, बताओ। हालांकि देखा जाए तो रेक्टेंगुलर नहीं है ये, तो स्क्वायर टाइप बन गया, नहीं, माइनस हाफ से हाफ तो वन लेंथ और ऊपर हाइट भी क्या है वन है, तो काइंड ऑफ स्क्वायर है ये तो, ठीक है। बट फिर भी इसको रेक्टेंगुलर फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा यू ऑफ टी प्लस हाफ, यू ऑफ टी प्लस हाफ माइनस यू ऑफ टी माइनस हाफ, माइनस यू ऑफ टी माइनस हाफ, सही है। तो बेसिकली पाई टी फंक्शन मेरा सिंपल है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अगर पाई टी का मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या बनेगा बताओ जरा, डी बाई डी टी ऑफ पाई टी, बताओ क्या बनेगा, डी बाई डी टी ऑफ रेक्टी, ठीक है। तो क्या बनेगा, माइनस हाफ पे क्या आएगा, एक इम्पल्स आएगा वन एरिया का, एंड फिर प्लस हाफ पे एक इम्पल्स आएगा, ठीक है भाई, बोलिए, प्लस हाफ पे माइनस वन एरिया का इम्पल्स आएगा, बोलिए दोस्त, सही है। तो ये मेरा क्या बनेगा, पाई टी का डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, बोले दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो कैसा बनेगा जरा बताएंगे, और इनिशियल कंडीशन अगर मैं जीरो लेके चलूं तो इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, देखिएगा। इसका स्लो ये टी टी प्लस वन बन जाए, टी प्लस हाफ बन जाएगा ना, देखो ना, माइनस हाफ से शुरू होगा और हाफ तक आते आते क्या हो जाएगा, हाइट वन हो जाएगी, और उसके बाद क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा। आप बोलोगे क्यों सर, उसके बाद जीरो क्यों नहीं हुआ, भाई आप खुद सोचे ना, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करने से आएगा क्या, नहीं। यहां से यहां तक स्लोप तो वन है, ठीक है, वो तो वन आ गया, बट यहां पे अब्रप्ट चेंज है, तो यहां पे क्या बनेगा फिर, इंपल्स, इंपल्स तो है नहीं यहां पे, इसका तो गलत है आपका, तो आपको क्या बनाना चाहिए फिर बताओ, ये बनना चाहिए, सही है। अब बताओ यहां से यहां तक स्लोप वन है, वन दिखा दिया, उसके बाद स्लोप क्या है, जीरो, तो जीरो दिखा दिया, समझ आया। हाँ, मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियली जीरो से स्टार्ट होगा, अगर कोई इनिशियल वैल्यू दे रखी होती तो यही फंक्शन क्या हो जाता फिर, पूरा ऊपर उठ जाता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल है भाई, आगे बढ़ सकते हैं। ये फोरियर में यूज होगा, ध्यान देना, ये कंसेप्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, मैं रब कर रहा हूँ भाई इसको, रब कर दूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट जरा देखिएगा, कई बार क्या होता है, हमें कोई सिग्नल दिया होता है और उस सिग्नल को हमें दूसरे सिग्नल की फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। कई बार जैसे मान लीजिए एक सिग्नल दे दिया हमें, उसको डिफरेंट दूसरे सिग्नल की फॉर्म में हमें उसको रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो कैसे करें, तो वो जरा देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह का सिग्नल है, जीरो वन टू थ्री, या हिट है वन, या हिट है टू, या हिट है थ्री, ये एफ टी सिग्नल है, ठीक है जी। और एक जी टी सिग्नल आपको दिया हुआ है, एक जी टी सिग्नल आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह का, जीरो वन टू, ये आपको जी टी सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, और ये हाइट है मान लीजिए वन। आपको लिखना है रिप्रेजेंट एफ टी इन टर्म्स ऑफ जी टी, इन टर्म्स ऑफ जी टी, जी टी की टर्म्स में आपको एफ टी को रिप्रेजेंट करना है,
तो सुनिए, इसका कोई यूनिक आंसर नहीं होगा, ठीक है? आप इन्फाइनेट वेद से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एफ टी को जी टी की टर्म में। दो तीन तरीके मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप तरीके अपने आप हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बताऊँ कैसे। मुझे एक बात आइए, मैं इसको ब्रेक कर दूँ, इसको डब्बों में ब्रेक कर देता हूँ। मैंने बोला कि पहले इस डब्बे की इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ जी टी, फिर इस डब्बे की इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ जी टी, और फिर इस टर्म की, इस डब्बे की इक्वेशन बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ जी टी, सही है? अब ये कैसे करें, इस डब्बे की क्या इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ जी टी, वो कैसे देखें? मुझे एक बात है, इसकी हाइट कितनी है? सबसे पहले हाइट देखो, वन, और यहाँ पर भी हाइट कितनी है? वन। इसका अंदर हाइट तो नहीं छेड़नी, एम्पलीट्यूड स्केल नहीं करना। उसके बाद आप ये देखिए, ये लेंथ है वन, और ये लेंथ कितनी है? टू। इसका मतलब लेंथ को स्केल करना है, तो टू को वन कैसे बनाए बताओ? जी ऑफ नॉट वन बाई टू, टू से स्केल कीजिए, ठीक है? हर एक पॉइंट इससे क्या हो जाएगा? टू से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ जरा? ये वन पे आ जाएगा, तो इसका मतलब जीरो से लेके वन तक हो जाएगा ये, ठीक है? और हाइट क्या रहेगी? वन, सही है? तो इसका मतलब इसकी क्या इक्वेशन बनेगी बताओ जरा? जी ऑफ टू टी, ये बनेगा जी ऑफ टू टी, सही बात है? अब आइए इस डब्बे पे, इस डब्बे की क्या इक्वेशन बनेगी? आप मुझे बताओ हाइट क्या है सबसे पहले? टू, तो इसकी हाइट टू बनाओ पहले, तो क्या बनेगी? टू ऑफ जी टी, सही है? हाइट तो टू होगी, बट लेकिन लेंथ इसकी वन है, और इसकी लेंथ कितनी है? टू, सॉरी नहीं, लेंथ इसकी वन है और इसकी लेंथ कितनी है? टू। हाइट तो होगी बैलेंस, इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइट इसकी टू बन गई, टू ही तो हाइट चाहिए थी। अब लेंथ पे आइए, लेंथ इसकी टू सेकंड है, जबकि यहाँ पे अपने को कितना चाहिए? एक सेकंड। तो इसका अंदर क्या कर रहा हूँ? अगेन एक सेकंड बनाने के लिए टू से स्केल कर दो, तो अब क्या हो गया बताओ जरा? अब ये इस तरह का बन गया, जीरो से कहाँ तक आ जाएगा? वन तक, और हाइट क्या रहेगी? टू, सही है? लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे वन से टू के बीच चाहिए, तो जीरो से वन के बीच आ गया, तो इसका अंदर कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? इसको वन सेकेंड शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका अंदर टी की जगह पे क्या कर दो बताओ जरा? टी माइनस वन, देखो टू को बाहर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, टी की जगह टी माइनस वन करना है, ठीक है? कई बार आप टू टी माइनस वन कर देते हो, ठीक है ना? तो आप इसको बेशक उल्टा बना के देख लो, ये यहां से यहां तक का बनेगा, देखना वन से टू चेक करके देख लो बेशक, ठीक है? हाइट आएगी टू, बना के देख लो इसको, ठीक है? तो टी की जगह पे क्या करना है? टी माइनस वन। तो बताओ इसकी क्या इक्वेशन आई इस वाले की? बोलिए, ये बनेगा टू जी ऑफ, बोलिए, टू टी माइनस टू, सही बात है? ये बनेगा टू जी ऑफ टू टी माइनस टू, करेक्ट है? बोलिए भाई। अब सुनिए, अब इसको आप बताइए ना क्या बनेगा, ये भी आसान है। सबसे पहले हाइट थ्री है, लेकिन हाइट तो यहाँ पे वन है, तो क्या लिखोगे पहले? थ्री जी टी, बोलिए, हाइट तो बैलेंस होगी, सबसे पहले हाइट बैलेंस कीजिए, उसके बाद ये लेंथ वन है और इसकी लेंथ टू है, तो क्या करें टी की जगह? टू टी कर दो, तो थ्री ऑफ टू टी करोगे, थ्री ऑफ जी ऑफ टू टी करोगे, तो ये तो ऐसे बन जाएगा, कहाँ से कहाँ, थ्री हाइट रहेगी और जीरो से वन के बीच रहेगा, बट मुझे जीरो से वन नहीं चाहिए, अब मुझे इसको टू डिले करना है, तो टी की जगह पे क्या कर दो बताओ? टी माइनस टू, तो इसकी क्या इक्वेशन क्या बनेगी? थ्री जी ऑफ, बोलिए, टू टी माइनस टू, समझ आया? तो अब बताओ एफ टी को मैं क्या लिखूंगा? एफ टी विल बी इक्वल टू जी ऑफ टू टी प्लस टू जी ऑफ टू टी माइनस टू प्लस थ्री जी ऑफ टू टी माइनस फोर, समझ आया भाई? इस तरह से मेरा ये बनेगा, बट ये कोई अकेला वे नहीं है, ये अकेला कोई यूनिक वे नहीं है, और भी तरीके पॉसिबल है। अब और कौन से तरीके पॉसिबल है जरा देखिए, मैं एक और तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, सिंपल कहानी है, ठीक है? बट ये इस तरह से इसको पार्टीशनिंग करने का अकेला वे नहीं है कि पहले आप इस डब्बे में ऐसे डब्बे ब्रेक कर दो। अब किसी को ये डब्बे वर्टिकल पसंद ना हो, वो बोलेगा मैं वर्टिकल डब्बे नहीं बनाना चाहता, मैं तो हॉरिजॉन्टल डब्बे लेना चाहता हूँ, ठीक है? मान लीजिए किसी ने ऐसे ले लिया, जरा देखिए, अब किसी ने बोला कि मैं इसको पूरा एक डब्बा बनाना चाहता हूँ, ये पूरा एक रखना चाहता हूँ, उसके ऊपर ये दूसरा रखना चाहता हूँ, ठीक है जी, उसके ऊपर मैं ये रखना चाहता हूँ, और तीसरा डब्बा मैं ये चाहता हूँ, ठीक है भाई? तो अब कैसे बनाएंगे? अब उसके हिसाब से अलग बनेगा, कैसे जरा देखिए, मैं रब कर दूँ इसको, उसके हिसाब से अलग बनेगा, जरा देखिए कैसे। ये मेरा जी टी दिया हुआ था, पहले डब्बे की क्वेश्चन देखिए कहाँ से कितनी है, हाइट कितनी है? वन,
इसकी भी हाइट कितनी है? 1. तो हाइट तो ठीक है, परफेक्ट है. इसकी लेंथ कितनी है? 3. इसकी लेंथ कितनी है? 2. अब 2 लेंथ को 3 लेंथ में कैसे कन्वर्ट करें बताओ? बोलिए z ऑफ, बोलिए क्या करेंगे? ये 2 वाले पॉइंट को 3 पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूं? 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूं. हर एक पॉइंट किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 बाई 3 से. 2 बाई 3 से डिवाइड करके देखो कहां पे चला जाएगा. इसको डिवाइड करो 2 बाई 3 से, तो बताओ क्या बनेगा? 3 पे चला जाएगा ना, सही बात है. तो इसका मतलब पहले वाले की क्या इक्वेशन आ गई? नीचे वाले की z ऑफ 2 बाई 3 t. किसी को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, इस बार कुछ नहीं करना. सही है भाई, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट डब्बा देखिए, ये वाला. इसकी लेंथ बताओ कितनी है? यहां से लेके यहां तक 2 लेंथ है. इसकी लेंथ 2 है, हाइट इसकी 1 है. इसकी हाइट 2 मत बोलिए, इसकी हाइट 1 बोलिए. क्यों? क्योंकि एक डब्बा पहले आ रखा है, 1 हाइट तो पहले हो रखी है यहां से यहां तक. उसके ऊपर कितनी हाइट और देनी है? बस 1 हाइट और देनी है. तो इसका मतलब इस डब्बे की हाइट कितनी है? 1. इसकी भी हाइट कितनी है? 1. और ये 2 लेंथ है, इसकी लेंथ भी 2 है. बट एक प्रॉब्लम है, क्या? इसको शिफ्ट करना है. बस कितना शिफ्ट करें बताओ? क्लैंप तो अपने आप हो जाएगा नीचे. जब ये परत आपने रख दी, तो इसमें बस इसको ऐड करोगे तो अपने आप ये क्लैंप नहीं हो जाएगा, अपने आप ऊपर बैठ जाएगा. इसके क्लैंप कुछ नहीं करना है, बस आपको हाइट देखनी. इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 1 है. इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है. बट एक प्रॉब्लम है, क्या? ये 1 से शुरू हो रहा है, जबकि ये कहाँ से शुरू हो रहा है बताओ? ये 0 से. तो एक काम करते हैं, इसको क्या लिखें बताओ? जी ऑफ, एक शिफ्ट डिले कर दो ना, ये 1 से लेके, नहीं समझे? तो ये हो जाएगा जी ऑफ टी माइनस 1. आप बोलोगे सर क्लैंप कैसे हुआ? तो नीचे वो डब्बा पहले वाला डब्बा नहीं आ रखा था, उसमें जब जोड़ोगे इसको, तो ये तो यहां तक तो ये ऑलरेडी है ही, उसमें ये और जुड़ेगा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा. सही बात है. अब अगला डब्बा देखिए, ये वाला. तो ये वाला डब्बा क्या बनेगा बताओ? इसकी हाइट बताओ कितनी है? 1. इसकी हाइट भी 1 है, ठीक है. इसकी लेंथ कितनी है? 1. लेकिन इसकी लेंथ तो 2 है, तो 2 को पहले 1 लेंथ बनाओ. कैसे बनाए 2 को 1 लेंथ? जी ऑफ 2 टी कर दो, लेंथ 1 होगी. तो ये बन जाएगा 0 से 1 के बीच. जी ऑफ 2 टी जो बनेगा वो 0 और 1 के बीच बनेगा. बट मुझे कहां से कहां तक बनाना है बताओ? मुझे 2 से 3. तो इसका अंदर टी की जगह पे यहां पे क्या कर दो? टी माइनस 2. तो इसका अंदर इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? जी ऑफ 2 टी माइनस 2. समझ आया भाई? 2t माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है ना? ये बनेगा और इन सब को जोड़ दो, अल्टीमेटली हमारे पास एफ जी आ जाएगा. बोलिए दोस्तों, एफ टी आ जाएगा. समझ आया? तो ये एक डिफरेंट वे है. तो इस तरह से तो कोई बोलेगा कि वो तो डब्बा कैसे सेलेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता ना. कोई बोलेगा जी मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ ये ऐसे डब्बे पसंद है, ठीक है. तो वहम का थोड़ी ना इलाज है, ठीक है ना? कितने भी आप बना सकते हो ऐसे, तो और हर बंदे का अपना एक अलग डिफरेंट आंसर होगा. इसका मतलब कोई यूनिक वे नहीं है इसको इस तरह से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का. फिर आप बोलोगे फिर तो क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए. नहीं, क्वेश्चन बन सकता है. सोचिए एफ टी को जी टी के टर्म में दिखाना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं. अब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो कोई करेक्ट होगा ही, लेकिन हम यूनिक नहीं बना सकते. 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं वेस, और उन चारों में से एक करेक्ट है. तो क्या करो आप क्वेश्चन को इस तरह से नहीं चल सकते. पता नहीं उसने कौन सी फॉर्म में ऑप्शन डाले, ठीक है. तो आप हर ऑप्शन को क्या करो? प्लॉट करके देखिए, ठीक है. हर ऑप्शन को प्लॉट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि अभी कौन सा मेरा करेक्ट है, ठीक है ना? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है भाई. चलिए, तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम इसके कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे. जो सिग्नल्स पे एक्सपेरिमेंट है उनको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, और एक जो हमारा ट्रेंगुलर जो सिग्नल है वो हमारा मेरे ख्याल से अभी बचा हुआ है, तो उसको भी ज़रा देखते हैं. वो भी छोटा सा है, वो ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है जी. तो आज के एपिसोड में इतना ही. नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच.